चाहते हैं कि हाँ तो कि पैसे ऐसे आते हैं कि आप एक भेजोगे पहले तो आपके खाते में 2 रुपए आ जाएंगे, 1+1 हो गए। हमारा मर्चेंट अकाउंट है उसमें डायरेक्ट पैसे नहीं आते, पहले आपको भेजने पड़ेंगे, फिर वो डबल हो गए आपके खाते में आ जाएंगे। तो ऐसे करके ये फ्रॉड करते हैं, आप एक भेजोगे आपके खाते में 2 रुपए आ जाएंगे, आप 5 भेजोगे आपके खाते में 10 आ जाएंगे, लेकिन जब आप हजारों में भेजोगे तो आपके खाते में कोई पैसा नहीं आता। तो ये एक इनका तरीका है जो है UPI के माध्यम से। UPI के माध्यम से एक फ्रॉड और होता है, उसमें क्या है कई बार रिक्वेस्ट आती है हमारे पास, वो टाइप करते हैं उसमें UPI, अगर आप खोलोगे फोन पे या गूगल पे उसमें एक चैटिंग का ऑप्शन भी आ रखा है, तो उसमें ये क्या करते हैं, उसमें ये मैसेज लिख के भेज देते हैं कि रिसीव्ड 5,000 रुपए, रिसीव्ड 10,000 रुपए, और फिर एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर कहते हैं कि आप पे कर दो, आपके खाते में आ जाएंगे पैसे। लेकिन वो खाते में आने की बजाय हमारे खाते से कट जाते हैं। उसका कारण ये है कि हम उसमें क्या अपनी OTP जो UPI पिन है वो डालते हैं। आप सोचना एक बात, जब कभी हमारे खाते में सैलरी आती है क्या वो हमसे ये पूछते हैं कि जी आप पिन बताना, आपके खाते में सैलरी आनी है? नहीं। लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन फोन करके कहता कि मेरे को पैसे भेजने, वो कहता कि पिन डालो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। लेकिन उस टाइम हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि जब पैसे आने होते हैं तो हमें पिन क्यों डालनी है, लेकिन हम पिन डाल देते हैं। हमारे पास डेली बहुत कस्टमर जो है कंप्लेनेंट आते हैं, कहते हैं सर उस टाइम हमारी मत्ती मारी गई थी। लेकिन ये कि ये सोचने का विषय है, मत्ती मारे गया, आप सभी टीचर हैं और कई टीचर के इवन बैंक एम्प्लॉय हमारे पास आए हैं, उन्होंने बोला कि हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया कि हमारे पास पैसे भेज रहे थे लेकिन हमारे खाते से कट गए। उसमें गलती हमारी यही है कि हम पिन डाल रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। हमें आपको स्कूल के बच्चों को भी ये बात बतानी है कि कभी भी आपके खाते में पैसे आने हैं तो आपको कोई भी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक आते हैं, ना हमें पिन डालना ना कोई रिसीव करना। ठीक है सर। उसके बाद एक आता है, आजकल हमारे पास मैसेज आते होंगे, आपने देखा होगा कि पार्ट टाइम जॉब के मैसेज आ रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब कीजिए और हफ्ते में 3,000 से 7,000 रुपए तक कमाइए, और उसमें नीचे एक वो क्या करते हैं लिंक देते हैं व्हाट्सएप का, उस पर क्लिक करते हैं और व्हाट्सएप अकाउंट खुलता है। वो कहते हैं कि हमारी कंपनी है सर जो है ये क्या कर रही है, ये आपको पार्ट टाइम जॉब देगी, आप 500 रुपए इन्वेस्ट करो, हम आपको प्रॉफिट कमा के 600 रुपए देंगे। तो ऐसे ये स्टार्टिंग में आपसे पहले दिन जो है इन्वेस्टमेंट कराते हैं कि हाँ 500 डाल दो, 1,000 डाल दो, आपको देंगे 1,200 देंगे, 1,300 रुपए देंगे, लेकिन Day 2 पे ये अमाउंट बढ़ा देते हैं, आप 10,000 डाल दीजिए, 20,000 डाल दीजिए, डालते हैं लोग। और उसके बाद फिर आप जब विड्रॉ करने की बारी आते हैं तो ये कहते हैं कि सर आपको तो जो है ना लिमिट कंपनी ने बढ़ा दी, आपको 20,000 और 25,000 और करने पड़ेंगे, उसके बाद विड्रॉ होंगे। तो ऐसे कर करके ये लोगों के साथ जो है पार्ट टाइम जॉब के नाम पे भी ठगी कर रहे हैं। कुछ एप्लीकेशन हैं थर्ड पार्टी, वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ना उनका कोई डाटा बेस होता है। तो एक ये तरीका जो है साइबर फ्रॉड का आजकल आ रहा है। एक OLX का आपने बड़ा सुना होगा कि OLX पे हमने कुछ सामान खरीदना था या बेचना था और उसमें जो है हमारे साथ ठगी हो गई है ज्यादातर, क्योंकि OLX पे हम किसी को जानते नहीं, और OLX पे जितना भी फ्रॉड हो रहा है ज्यादातर आर्मी पर्सन बन के हो रहा है कि मैं आर्मी में हूँ, मेरी ट्रांसफर होगी, जो मेरा सामान है मेरे को ये बेचना है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा कम रेट पे बेच रहा हूँ। तो आर्मी पर्सन समझ के हम विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे साथ शेयर करते हैं, कहते हैं ये मेरा कैंटीन कार्ड है, ये मेरा आई कार्ड आप देखो, ये मेरा आधार कार्ड है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे कोई भी आर्मी पर्सन आई कार्ड के नाम से, आपको लाखों कार्ड मिल जाएंगे नेट पे अवेलेबल, वो सारे ऐसे ही आम आदमी की किसी किसी के नाम पे फर्जी कार्ड हमें बेचते हैं और हम उस चीज का विश्वास कर लेते हैं। फिर वो बोलेंगे कि सर आपको स्टार्टिंग में जो है कुछ फीस जो है कोरियर की देनी पड़ेगी। हम ये मान लेते हैं कि ठीक है कोरियर आ रहा है, हमारा सामान आ रहा है, चलो दे देते हैं, तो हम कुछ पैसे भेज देते हैं। फिर एक दिन बाद, 2 दिन बाद फिर उनका दोबारा फोन आएगा आपके पास कि सर जो आपका सामान है ना वो रास्ते में पहुंच गया, लेकिन ये जो है आर्मी कोरियर सर्विस के तहत आ रहा है,
उसमें क्या है, उसमें आपको जो है एक जीपीएस लगा होता है, उसका रिचार्ज कराना पड़ता है, वो बीच में खत्म हो गया, जिसके लिए आपको 10,000 रुपये का और 12,000 रुपये का कुछ एक्स वाई जेड अमाउंट का रिचार्ज कराना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रोडक्ट जो है आपके पास पहुंच पाएगा। और हम विश्वास कर लेते हैं कि कोई आर्मी का है तो क्या पता होगा ऐसा कुछ आर्मी सिस्टम, ये हमें जानकारी नहीं कि ऐसा कुछ नहीं, आर्मी का कोई ऐसा कोरियर नेटवर्क नहीं है जिसके थ्रू वो सामान भेजते हैं। आर्मी का भी अगर कोई सामान आना है तो वो सामान हमारा जो नॉर्मल जो हमारा इंडियन पोस्ट सिस्टम है इसी के थ्रू आता है, तो हम विश्वास कर लेते हैं। विश्वास करने के बाद जो है हम पैसे डलवा देते हैं। उसके थोड़ी देर बाद फिर दोबारा आएगा फोन आपके पास कि सर मैं जो है कुरियर वाला बोल रहा हूँ, आपका सामान आना, तो इसमें कुछ दिक्कत आ गई, आपको कुछ पैसे और भेजने पड़ेंगे। हमारा सामान तो है 10,000 का 15,000 का, लेकिन वो बहला फुसला के कुछ ना कुछ रीजन बता के हमसे 30-40 हज़ार रुपये ठग लेते हैं, डलवा लेते हैं। और फिर हमें समझ में आता है कि हाँ हमारा सामान इतने का था लेकिन हमने इतने दे दिए। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, हमारे पुलिस इंप्लॉइज हैं उनके साथ भी हुआ है ऐसा कि हाँ मेरे को ऑनलाइन मोबाइल फोन खरीदना था और मैंने पसंद करके कुछ एडवांस डला दिया, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसने कुछ ना कुछ बहाने करके जो है मेरे से इतने रुपए, जितने एक्चुअल अमाउंट नहीं होता है उससे ज्यादा पैसे वो हमसे ठग लेते। तो एक ये है कि ऑनलाइन जो है वो एलेक्स, क्विकर या फेसबुक पे भी, या फेसबुक पे भी काफी आज कल आप एड देख रहे हो, मार्केट प्लेस की एक एड आती है कि आपके नियर बाई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या कोई और सामान है, वो आप डायरेक्ट जो है खरीद सकते हो। तो इस चीज से सावधान रहे थोड़ा, जो भी आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदना है जेनुअन साइट्स का इस्तेमाल करो, अपने फ्लिपकार्ट है, अमेजन है या ऐसी काफी साइट्स हैं जो जेनुअन है, कभी भी थर्ड पार्टी साइट्स का इस्तेमाल मत करो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टाइप का जो कोड है, कैशबैक के ऊपर आते हैं बहुत हमारे पास, या मैसेजेस आते हैं कि आपके अकाउंट में इतने क्रेडिट हो गए हैं, तो इस जिसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो। और लिंक पे हम क्लिक करते हैं, वो एक कॉपी जो है साइट बना देते हैं। अगर आप में से कोई कंप्यूटर का टीचर होगा तो उसकी नॉलेज में ये होगा जरूर, कंप्यूटर जो वेबसाइट बनाना कोई भी ज्यादा ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, उसमें सिंपल सी प्रोग्रामिंग लगती है। हूबहू कॉपी हम बना सकते हैं किसी भी साइट की प्रोग्रामिंग करके, तो हमें ये लगता है कि वो जेन्युइन साइट है, बैंक की साइट है या किसी यूपीआई की साइट है, फोन पे की है या गूगल पे की है, और हम उस पे जैसे जैसे वो रिपोर्ट मांगता है हम वो भरते रहते हैं। कई बार हम अपना कार्ड नंबर, इवन पिन नंबर भी डाल देते हैं, तो वो सारा डाटा उनके पास स्टोर हो जाता है। और वो फिर उससे क्या करते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वहां पे शॉपिंग कर लेते हैं या अपने किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। या आजकल बिटकॉइंस, आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, बिटकॉइंस है इस तरीके की कई करेंसीज है वो खरीद लेते हैं जिसको ट्रेस करना बड़ा ही मुश्किल है। तो एक इस चीज का ध्यान रखो कि आपके पास कोई भी मैसेज आ रहा है उस पर कोई लिंक है तो उस पर हमें क्लिक नहीं करना चाहिए, ज्यादातर वायरसेस होते हैं। एक ग्रुप्स में आजकल टीचर्स भी एक्टिव होंगे, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उसमें हम डेली हजारों मैसेज फॉरवर्डेड भेजते हैं, किसी में फोटो होती है, किसी में कोई खबर होती है, उसको थोड़ा चेक करो कि वो जेन्युइन है या नहीं है। जितने भी लिंक बेस्ड 90% जो है स्पैम बेस्ड मैसेजेस होते हैं, हम उन पे क्लिक करते हैं हमारी जानकारी के बिना, हमारे जो है मोबाइल में या हमारे लैपटॉप में मालवेयर वायरसेस जो है इंस्टॉल हो जाते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता, और वो बैक एंड में सामने ना आने के बजाय पीछे पीछे हमारे सिस्टम का, हमारे मोबाइल का जो भी डाटा होता है वो शेयर करते रहते हैं जिस पे वो लिंक डाला है। तो कई बार क्या होता है, ऐसे में हमारी जो पर्सनल फोटोज हैं वो भी शेयर हो जाते हैं। तो एक चीज से आप बचें कि कोई भी ऐसा फालतू का फॉरवर्डेड मैसेज अगर हमारे पास आ रहा है तो हम उसे इग्नोर करें। अगर हमें कोई न्यूज पढ़नी है, कोई ऐसी चीज है, हम उसको सर्च करके प्रॉपर एक वेरीफाइड चैनल से जो है हम देख सकते हैं। तो उसके बाद सर एक नेक्स्ट आता है सिम कार्ड। सिम कार्ड का जो है पीछे हमारे पास कंप्लेंट आई, सा हॉस्पिटल से हमारे पास आई कि सर हमारे पास मोबाइल फोन आया कि जो आपकी सिम है वो बंद होने वाली है, तो कृपया करके अगर आप उसकी वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हो तो एक मैसेज आएगा आपके पास, वो आप जो है हमसे शेयर कर दें।
तो उसमें क्या है, वो मैसेज आया, उन्होंने शेयर किया, तो उसमें क्या है, एक डुप्लीकेट सिम इशू होती है। अगर आप कभी चाहो वो अपनी सिम अगर आपकी गुम हो गई है, डुप्लीकेट इशू कराना, तो वो इजीली इशू हो जाती है। तो उसमें अगर आपका नंबर चालू है तो उसमें चालू नंबर पे वो मैसेज ओटीपी जाता है, वो शेयर करने से आपकी जो है डुप्लीकेट सिम चालू हो जाती है और जो आपकी पर्सनल सिम है वो बंद हो जाती है। तो ऐसा ही था हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल हो रहा है से हो रहा है थे उस दिन कि हमारी जो है सिम बंद हो गई है और किसी और ने जो है वो चला ली है। तो ऐसे करके फ्रॉड हो रहा है कि आपके पास आएगा, आपकी सिम बंद हो रही है सर, आप ओटीपी हमें दे दीजिए, हम इसकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन वैलिडिटी एक्सटेंड होने के बजाय वो हमारी सिम बंद हो जाती है और वो हमारी सिम की जगह कोई दूसरा जो फ्रॉड है वो हमारी डुप्लीकेट सिम इशू करके लोगों के साथ ठगी करता है। नंबर वो रिकॉर्ड में हमारा है, इस्तेमाल कोई और कर रहा है, तो अगर कल को कोई 19-20 होती है तो उसमें हमारा जो है रिकॉर्ड में नाम शो करेगा कि इसके नाम नंबर था, इसने फ्रॉड किया। तो एक इस चीज से बचो कि आपके पास कोई फोन आ रहा है कि हाँ जी आपका नंबर बंद होने वाला, आप ओटीपी शेयर कर दीजिए, आपका नंबर जो है वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाए। इसके बाद सर एक नेक्स्ट फ्रॉड है फेसबुक, आप इस्तेमाल करते होंगे ज्यादातर टीचर्स। पीछे हमारे पास एक टीचर आए थे, उनके साथ ऐसे ही जो है 1 लाख, नहीं 1 लाख, अराउंड 3 लाख के आसपास का फ्रॉड हुआ था कि उन्होंने फेसबुक पे एक आईडी एक्सेप्ट की, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली किसी लड़की की, फोन नंबर लड़की थी, उससे चैटिंग की। चैटिंग करने के बाद क्या हुआ, उसने बोला कि मैं आपके लिए गिफ्ट भेज रही हूँ सर, आप बहुत अच्छे इंसान हो, मेरे को पसंद आए, मैं आपके लिए गिफ्ट भेज रही हूँ और उसमें कुछ डॉलर भी है, कुछ जो है महंगा सामान भी है, मोबाइल फोन या कुछ भी एक्स वाई जेड बोल देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, आपके पास वो ये बोल देते हैं कि हाँ सर मैं भेज रही हूँ आपके लिए। तो आपके पास फिर फोन आता है कस्टम वालों का कि सर मैं कस्टम ऑफिसर बोल रहा हूँ दिल्ली से, मुंबई से, आपका कुछ कीमती जो है पार्सल आया हुआ है बाहर से और उसकी कीमत 20-25 लाख रुपए है, तो आपको जो है कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। तो हम ये देखते हैं कि हाँ इंडियन टेंडेंसी है कि अब 20-25 लाख है, 5-10 हजार देने में क्या जाता है, तो हम सोचते हैं कि चलो दे देते हैं। तो हम क्या है 5 हजार दे देते हैं स्टार्टिंग में। फिर उनका फोन आएगा कि सर इसमें तो ये चीज भी है तो इसकी वैल्यू और ज्यादा होगी, आपको इतने हजार रुपए और देने पड़ेंगे। धीरे धीरे करके ऐसे ये क्या होता है इस फ्रॉड में, ये जो है लोग ये देखते हैं कि सामने वाला पैसे देने के लिए इच्छुक है या नहीं, वो शॉर्ट अमाउंट से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा अमाउंट सोच के वो कहेगा चलो 2-4 हजार की बात है दे देते हैं, क्या पता आ ही जाए। लेकिन वो ये चीज चेक करते हैं कि हाँ सामने वाला लालची है या नहीं है, उसको ये लगता है कि हाँ हम 20-25 लाख का सामान बोल रहे हैं दे रहा पैसे तो थोड़ा और बढ़ाएंगे फिर भी देगा। ऐसे धीरे धीरे करके वो हमसे लाखों रुपए ऐड लेते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ऐसा कोई हमारा पार्सल नहीं आ रहा है, हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। ऐसा फ्रॉड हमने पीछे ट्रेस किया था, दिल्ली में बैठे हैं नाइजीरियंस हैं दूसरे देश के, वो कर रहे हैं ये फ्रॉड। तो फेसबुक पे आप किसी भी अननोन पर्सन को ऐड ना करें। दूसरा, फेसबुक ने अभी एक सिक्योरिटी फीचर जो है पीछे लाया थे लॉन्च किया था जिसमें आप प्राइवेसी लगा सकते हो कि जो आपके फ्रेंड है सिर्फ वही आपकी प्रोफाइल को देख पाए, उसके अलावा कोई और ना देख पाए। तो एक अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो उसमें प्राइवेसी जरूर आप प्राइवेट मोड पे रखें ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन ना देख पाए। दूसरा, फेसबुक के थ्रू एक ये फ्रॉड हो रहा है कि आप अपनी प्राइवेसी नहीं लगाते हो, तो उसमें क्या है कि आपकी जो है स्क्रीन जो है हूबहू आपकी जो प्रोफाइल की कॉपी बना लेते हैं, क्योंकि आपने प्रोफाइल नहीं प्राइवेसी नहीं लगा रखी, पर्सनल प्रोफाइल नहीं कर रखी, उसमें आपकी कॉपी करके आपके फ्रेंड्स के पास जो है वो रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिक्वेस्ट भेजने के बाद मैसेज करेंगे कि भाई थोड़ी ही अर्जेंट में मैं किसी मुसीबत में हूँ, पैसे की जरूरत थी, 5-10 हजार रुपये आप मुझे भेज दीजिए। तो आपको ये लगता है फोटो देख के अरे ये तो वो है मेरा जानकार, जरूरत होगी मैं भेज देता हूँ। लेकिन बाद में जब हम उससे पर्सनली बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसने तो कोई पैसे मांगे नहीं थे, ये किसी थर्ड पर्सन ने हमारे साथ फ्रॉड किया। ऐसे केसेस बहुत हुए हैं और फिर आपको ये लगता है कि आपकी फेसबुक आईडी हैक हो गई, किसी ने हमारे फेसबुक आईडी हैक करके और हमारे दोस्त से पैसे ले लिए।
वो फेसबुक आईडी हैक नहीं होती, वो हमारी फेसबुक आईडी की हूबहू एक कॉपी बना लेते हैं हमारा डाटा कॉपी करके, क्योंकि हमने प्राइवेसी नहीं लगाई थी और हमें ये लगता है कि हाँ हमारी जो है फेसबुक आईडी वो हैक हो रही। हमारी फेसबुक आईडी सेम है लेकिन उन्होंने एक सेम मिलती जुलती नई आईडी बना ली होती है जिसके थ्रू वो आपके फ्रेंड्स को पैसे की डिमांड भेजते हैं कि यार मेरे को जरूरत है आप पैसे भेजते हैं। ये भी एक बड़ा चल रहा है फेसबुक के। एक और फेसबुक के थ्रू फ्रॉड हो रहा है जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। उसमें क्या है, उसमें आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, आप सेट कर लोगे, चैटिंग करोगे किसी लड़की की प्रोफाइल के, तो उसके बाद वो वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल में जो है हम अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ले आते हैं कि वो हम पब्लिकली नहीं कर सकते। उसके बाद वो उस चीज को रिकॉर्ड करके, स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपके पास भेजेंगे कि भाई आपकी ये ऐसे ऐसे वीडियो हमने रिकॉर्ड कर ली है और अब हम इसको वायरल कर लेंगे, नहीं तो आप हमें पैसे दो। ऐसे ब्लैकमेलिंग के बहुत केसेस आ रहे हैं फेसबुक के थ्रू। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो सबसे पहली चीज आपको एक रुपया भी उनको देने की जरूरत नहीं है, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो। लेकिन आप कभी आपका कोई जानकार ऐसे चीज का शिकार होता है तो उसको सबसे पहले आप ये बोलो कि आपको एक भी रुपया नहीं देना है इनको डिमांड। दूसरा, उसके बाद आप हमारे पास आओ, एक कंप्लेंट दो, हम उस आईडी को ब्लॉक कराएंगे और जो है उनका रिकॉर्ड लेकर उनको ट्रेस करें। लेकिन सबसे मेन चीज है पैसा, उनका मकसद होता है पैसे ऐंठने का, वो हमें नहीं देना। ठीक है सर, नेक्स्ट हम बात करेंगे फेसबुक या सोशल साइट्स के थ्रू जो है बुलिंग, साइबर बुलिंग हो रही है। कैथल में पीछे भी हमारे पास कुछ किसान नेता आए थे कि फेसबुक पे जो है हमारे बारे में कुछ ना कुछ लिख के जो है लोग डाल रहे हैं कि ये फ्रॉड है या ये पैसे खाता है, इस तरीके के काफी आ रहे हैं। उसमें कारण यही है कि हम अपनी प्रोफाइल जो है बेसिकली ओपन रखते हैं और हम अननोन लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं जिससे हमारा डाटा जो हमने शेयर कर रखा है फेसबुक पे वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं। और ये चीजें भी ज्यादातर इसलिए होता है कि हमें लगे कि ये हमें बदनाम कर रहा है, हम इंडिविजुअल से बात करेंगे उसको बोलेंगे भाई तू ऐसा मत कर, वो कुछ डिमांड रखेगा पैसे की, भाई पैसे दे दे मैं नहीं करूंगा, नहीं दूंगा बदनाम। तो ये सारी चीजें तभी हैं जब हम अपना जो फेसबुक का या किसी भी सोशल साइट का नो लोगों को जोड़ रहे या बिना वेरीफाई करे कुछ भी हम डाल रहे हैं पोस्ट, तो हमें थोड़ा सा एक सोशल, जैसे हम आपस में एक सभ्याचार बना के रखते हैं वही चीज हमें इंटरनेट पे भी बनाने की, सोशल साइट्स पे भी बनाने की जरूरत है। हमें यह लगता है कि वो चीजें ट्रेस नहीं हो सकती, किसको क्या पता कौन डाल रहा है। ज्यादातर लोगों ने ज्यादातर भारतीय लोगों ने जो है फेक प्रोफाइल्स बना रखी है, लड़का है लड़की के नाम पे बना रखा है, लड़की है लड़के के नाम पे बना रखी है, तो ये है कि वो चीजें ट्रेस नहीं होंगी, बट वो सब चीजें जो है ट्रेस होती हैं। तो इसलिए एक जो हमें इंटरनेट या सोशल साइट्स पर भी एक सभ्याचार की आज के टाइम में बहुत जरूरत है। आप बच्चों को जरूर ये चीज बताओ कि कोई भी इंटरनेट की चीज है उस पर अगर हमें ये लगता है कि हम ट्रेस नहीं किया जा सकते तो वो उनकी गलतफहमी है, हर चीज ट्रेस हो सकती है। तो हमें उसी हिसाब से जो है एक सभ्याचार के भाव से इंटरनेट पे या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कार्य करना चाहिए। ठीक है सर, नेक्स्ट हम जो है बात करेंगे सर एटीएम क्लोन की। एटीएम क्लोन, आपके जानकारी में बहुत केसेस आए होंगे कि भाई मेरे एटीएम से पैसे निकल गए, मेरे को नहीं पता एटीएम मेरे पास था लेकिन ये पैसे कैसे निकल गए। तो क्या होता है, हम कई बार एटीएम्स पे जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए तो हम वहाँ बड़ा कैजुअली बिना कुछ आसपास का ध्यान रखे ऐसे ही पैसे निकलवा के आ जाते हैं। ये चीज चेक नहीं करते कि हमारे साइड में कोई खड़ा है या एटीएम मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ हो रखी है या नहीं। एटीएम मशीन में जहाँ हम कार्ड डालते हैं वहाँ कुछ ऐसे डिवाइसेज हैं सेम हूबहू सॉकेट्स लगा दिए जाते हैं और उनमें क्या है कार्ड रीडर होते हैं, वो हमारी जो मैग्नेटिक चिप होती है उसको रीड करके उसका डाटा स्टोर कर लेते हैं। तो कभी भी आप जाओ
एटीएम पे, तो सबसे पहले चेक करोगे जो एटीएम जहां हम डाल रहे हैं उसको आप ऐसे खींच के देखोगे वो बाहर निकल रहा है या नहीं। कई बार हूबहू उसके ऊपर एक होल्डर लगा दिया जाता है जो हमारे कार्ड की जो है इंफॉर्मेशन चोरी करता है, तो उससे बचे। दूसरा, जब हम एटीएम में हो और वहां भीड़ हो तो ये ध्यान रखें कि हमारा पिन कोई बोर्ड नहीं देख रहा हो, अपना एटीएम जो कार्ड है वो किसी को ना दे। दूसरा, हम ज्यादातर या तो ये एटीएम क्लोनिंग जो होती है एटीएम मशीन पे होती है, पेट्रोल पंप पे होती है, या हम कहीं रेस्टोरेंट में गए हुए हैं वहां हम कार्ड दे देते हैं कि भाई स्वाइप कर ले, कार्ड से हम पेमेंट करेंगे। तो वहां आप ध्यान रखें कि आप जो भी अपना कार्ड किसी को ज्यादा देर तक मत दें, अपने सामने कार्ड को स्वाइप करें, ये ध्यान रखें कि वो किसी और मशीन के साथ तो इसको स्वाइप नहीं कर रहा, अपना पिन किसी के साथ शेयर ना करें, ढक के डालें। इसके बाद सर एक नया फ्रॉड आया है जो है कि हम जो है हमारे पैसे कट गए। कई बार होता है कि हाँ हमारे डबल पैसे कट जाते हैं, कोई बिल भर रहे हैं कि डबल पैसे कट गए, या कई बार हम अपने किसी दोस्त के पास पैसे भेज रहे थे लेकिन वो प्रोसेस फेल्ड हो गया और पैसा हमारे खाते से तो कट गया लेकिन सामने वाले के खाते में नहीं गया। तो उस केस में हम थोड़ा हड़बड़ाहट में आगे क्या करते हैं कि नेट से कस्टमर केयर का नंबर उठा लेते हैं कि कोई कि नेट पे सर्च करेंगे पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक, या कोई भी फोन पे या गूगल पे का कस्टमर केयर नंबर हम सर्च करते हैं और वहां से हम नंबर उठा के कॉल कर लेते हैं। वो हम ज्यादातर जो नंबर यूज करते हैं वो मोबाइल नंबर उठाते हैं, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं अपने जो रिचार्जेस मोबाइल के कुछ ऐसे हो गए हैं कि हम जो फ्री आता है कि अनलिमिटेड टॉक टाइम वाला तो सिस्टम खत्म हो गया, तो वो ये कि कॉल्स फ्री हैं, बैलेंस हमारा जीरो होता है लेकिन कॉल्स हम कर सकते हैं। तो जितने भी आप देखोगे जो हमारे टोल फ्री के नंबर होते हैं ये सारे पेड हैं, तो इस कारण हम उन पे कॉल नहीं कर पाते। तो हम ये सोचते हैं कि कोई मोबाइल नंबर मिल जाए जिस पे हमारी बात हो जाए और हमारा जो है इशू सॉल्व हो जाए। तो हम मोबाइल नंबर सर्च करते हैं और उन पे बात करते हैं और अपनी सारी बात बताते हैं, ऐसे ऐसे हमारा पैसा जो है हमारे खाते से कट गया लेकिन सामने वाले के खाते में नहीं गया। तो उस केस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी बैंक का इम्प्लॉय है या कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जिसने अपना पर्सनल नंबर दे रखा हो मोबाइल कंपनीज को छोड़ के। सभी के टोल फ्री नंबर होते हैं जो 1800 से स्टार्ट होते हैं, तो हमें कभी ऐसी दिक्कत आए तो हमें 1800 वाला नंबर ही इस्तेमाल में लाना। हम टोल मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं और वो जैसे जैसे बोलते रहते हैं हम करते रहते हैं। कई बार वो हमसे हमारी डिटेल मांगते हैं, हम डिटेल दे देते हैं, कार्ड नंबर, सीवी नंबर, इवन ओटीपी भी हम उनको दे देते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि ये तो हमारे खाते से ही 30,000, 40,000, 50,000 रुपए कट गए। तो इन दैट केस टू अगर आप किसी के पास कस्टमर केयर के पास भी फोन करें तो आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां भी नहीं शेयर करनी। वहां भी आप ज्यादा से ज्यादा ये शेयर कर सकते हो कि ये मेरा जो है अकाउंट नंबर है या खाता नंबर है या मोबाइल नंबर है या यूपीआई आईडी है, ना हमें उनके साथ पिन शेयर करना है कभी भी। अगर उसके बाद भी वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको बोले कि सर नहीं हमें वेरीफाई करना है, तो वो आपका एड्रेस पूछ सकते हैं, आपका फादर नेम पूछ सकते हैं, मदर नेम पूछ सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं, लेकिन पिन या ओटीपी कभी भी नहीं पूछेंगे जो जेन्युइन बैंक एम्प्लॉय होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी किसी भी नाम पे ये बोले कि नहीं सर आपकी कंप्लेंट रेज करने के लिए एक ओटीपी आया है, आप वो हमें बता दीजिए, उसके बिना आपकी कंप्लेंट रेज नहीं होगी। आप उनको बोल सकते कि ठीक है भाई नहीं आप रेज करना चाहते, मैं बैंक में पर्सनली जाके कर लूँ लेकिन मैं ओटीपी नंबर आपसे शेयर नहीं करूँ। दूसरा, इसी तरह की कंप्लेंट्स में क्या है, हमारे पास फोन आता है और हम उनके कहे अनुसार कई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं अपने सिस्टम में। वो बोलते हैं कि सर मैं आपको कुछ जैसे जैसे बताऊंगा आप करते जाना, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो इस चक्कर में कि हमारे पैसे वापस आ जाएंगे हम उनके कहे अनुसार जो है जो जो चीज वो बोलते हैं एप्लीकेशन बोलते हैं तो वो इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें कुछ खास एप्लीकेशन हैं जैसे एनी डेस्क है, अगर आपने नाम नहीं सुना तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये एप्लीकेशन क्या है, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे उसके बाद इसका एक पिन आएगा, वो पिन शेयर कर लोगे, उसके बाद उसको आपसे ओटीपी पूछने की भी जरूरत नहीं,
उसमें क्या होगा, जो आपके मोबाइल की स्क्रीन है वो ऐसे की ऐसी उसके पास शेयर हो जाएगी टेम्परेरी। जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, मैं बैठा यहाँ हूँ लेकिन आप देख पा रहे हो क्योंकि हम इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं। सेम चीज एनी डेस्क है, क्यूएस है, टीम व्यूवर है, क्विक स्पॉट है, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें क्या है, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई जो सामने वाला बंदा है जिसके साथ आपने पिन शेयर किया है उसके पास चली जाती है। तो उसमें उससे उसको आपसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वो रिक्वेस्ट डालेगा, ओटीपी आएगा, वो खुद देख के ओटीपी भर के आपके खाते से पैसे निकाल लेगा। आपको लगेगा मैंने तो ओटीपी भी नहीं बताया, इवन आपके रिकॉर्ड में देखोगे कि मेरे पास तो ओटीपी का मैसेज भी नहीं आया, वो ओटीपी के मैसेज भी साथ के साथ डिलीट कर देते। तो इस चीज से सावधान रहना है, कोई भी एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल नहीं करनी है किसी के कहने पर। ठीक है सर। और नेक्स्ट हम आएंगे फिर एक लॉटरी का बड़ा फ्रॉड आ रहा है कि हाँ आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी आ गई, लग गई है। आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए होंगे, वीडियो आई होगी कि कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम जो है व्हाट्सएप से बोल रहे हैं और आप जो है 25 लाख रुपए की लॉटरी के लिए चुने गए हैं। और उसके बाद उसमें वो सारी चीज बताते हैं, कुछ नंबर भी देते हैं कि अगर आप ये लॉटरी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप से बात करें या कॉल करें। व्हाट्सएप कॉल, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल, सिंपल कॉल, क्योंकि उन नंबरों में नहीं होते, वो सारे नंबर फर्जी होते हैं। तो आप कॉल करोगे कि हाँ भाई आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, मुबारक हो, वो बोलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको जो है स्टार्टिंग में जो है बैंक प्रोसेसिंग चार्ज देने पड़ेंगे। हम ये सोचते हैं कि हाँ भाई 25 लाख की लॉटरी है, 15-20 हजार बैंक चार्ज देने में क्या जाता है, हम दे देते हैं। और फिर उनका दोबारा फोन आएगा कि ये देखो आपका चेक रेडी हो गया है, आपके पास इवन वो चेक की फोटो भी भेजेंगे कि आपका चेक रेडी हो गया है, ये देखो 25 लाख रुपए का। इसके लिए जो है आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा पहले, जो टैक्स के रिगार्डिंग होता है, तो उसको उसके लिए आपको 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये और देने पड़ेगा। तो वो डॉक्यूमेंट देख के हमें लगेगा कि भाई ये तो जेन्युइन काम है, सारी चीजें ये चेक भी दिखा रहे हैं। और इवन वो आपके पास नोटों की फोटो भेजेंगे, ये देखो नोट इतने इतने लोगों को हमने पैसे दे दिए हैं और ये है, आपकी भी जो है आपको भी पैसे मिलेंगे। तो हम उनको पैसे दे देते हैं ऐसे। फिर दोबारा फिर उनका फोन आएगा किसी और नाम पे, भाई इसमें ये चीज हो रहा है कि आपको इतने पैसे और देने पड़े। सारे जो ये क्राइम है, साइबर क्राइम मेनली जो है पैसे हड़पने के लिए है, इससे ज्यादा साइबर क्राइम का और कोई मकसद नहीं है। उनका मेन मोटिव ये होता है कि जितने पैसे हम सामने ऐड सकें उतने हम ऐड, और उसके अलग अलग तरीके हैं। तो उसका उस तरीके का एक ये लॉटरी फ्रॉड भी है कि आपकी लॉटरी लग गई। जब हमने कहीं अप्लाई नहीं की, कोई लॉटरी नहीं खरीदी, तो हमारी लॉटरी कैसे लग गई? लेकिन उस समय हम ये बात नहीं सोचते। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि वो दिहाड़ी करने वाला आदमी है, रोज 500-1000 रुपये बड़ी मुश्किल से कमाता, लेकिन 25 लाख की लॉटरी के लिए उसने लाखों रुपए उधार लेके लोगों से उनके खातों में डलवा दिए। तो इस चीज से मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़े सतर्क रहें। ऐसा कोई लॉटरी का सिस्टम नहीं है कि आपकी लॉटरी लग गई और आपके पास पैसे आए। और मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को भी इस बारे में बताएं, क्योंकि ज्यादातर ये क्या होता है कि नोट का लोग हजारों नंबरों के पास इकट्ठा मैसेज भेजते हैं, जिसका रिप्लाई आ जाता है उससे ठगी कर लेते हैं, जिसका नहीं आता है छोड़ देते हैं। तो आपके पास भी आया होगा, मेरे पास भी आया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे पास नहीं आते, मेरे पास भी बहुत मैसेज आए कि आपकी लॉटरी लगी है सर और आप इसको क्लेम करने के लिए ऐसे ऐसे करो, लेकिन हमें उस चीज की जानकारी है इसलिए हम उससे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। तो फिर एक हमने पीछे के स्ट्रेस किया था, कुछ दिल्ली के लड़के थे, 6-7 लड़के हमने अरेस्ट भी किए थे, वो था कि ऑनलाइन जॉब फ्रॉड का। हम ऑनलाइन naukri.com है, क्विकर है, monster.com है, हम इन पे जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं कि हाँ कोई भी जॉब निकल गई प्राइवेट कंपनी में या है, हम उसमें अपना डाटा सारा शेयर कर देते हैं। तो वो डाटा क्या है वो आगे भेज देते हैं रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज है उनको भेज देते हैं। फिर उनकी मेल आती है हमारे पास कि जो है आपका जो प्रोफाइल सिलेक्ट हो गया है, आपको जो है इस पद के लिए आप जो है आपके डाटा अनुसार हमें लगा है कि आप इसके लिए ठीक हो, तो हम आपको ये नौकरी देने की इच्छुक हैं, जिसके लिए आपका जो है ऑनलाइन पहले इंटरव्यू फोन के माध्यम से लिया जाएगा।
जिसके लिए आपको जो है 2500 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये कुछ भी एक्स वाई जेड वो फीस बोलेंगे कि आपकी ये रजिस्ट्रेशन फीस है। बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपका सैलरी के साथ आपकी रिफंडेबल हो जाएगी। तो हमें लगता है कि जेन्युइन है, रिफंडेबल हो जाएगी, चलो दे देते हैं हम उनके पास पैसे का जमा करा देते हैं। वो हमें लेटर भेजते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन आपका जो है प्राइमरी स्टेज का इंटरव्यू जो है की यहाँ ले आओ। डेट फाइनल हो गई है और वो डेट इस दिन है, इस दिन आपके पास फोन के माध्यम से जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। वो इंटरव्यू लेते भी हैं, ये नहीं कि वो इंटरव्यू नहीं लेते, वो लेते हैं। वो इंटरव्यू लेंगे और फिर उसके बाद बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका पहला लेवल है वो पास हो गया है, अब जो है नेक्स्ट लेवल में जो है हायर अथॉरिटी जो हमारी वो आपकी लेंगे और उसका जो सिलेबस थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम आपसे वो सिलेबस शेयर कर देंगे कि इंटरव्यू में वो क्या पूछेंगे। और उसके नाम पर फिर वो बोलते हैं कि इसके लिए आपको 14-15 हज़ार रुपये और देने पड़ेंगे, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो हम ये सोचते हैं कि चलो 14-15 हज़ार रुपये देने में अगर नौकरी मिल गया तो क्या दिक्कत है, दे देते हैं। और लोगों ने दिए भी। उसके बाद फिर वो कॉल करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और सेम क्वेश्चन पूछते हैं जो हमारे साथ शेयर कर रखे हैं और हम उन्हें बता देते हैं कि हमें लगता है कि भैया तो जेन्युइन है, उन्होंने बता दिया और सेम क्वेश्चन हमसे पूछ लिए। और उसके बाद फिर आएगा कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आपका ये इंटरव्यू भी हो गया, अब आपका जो है फाइनल इंटरव्यू एक बच गया है, या कोई पॉलिसी की हाँ इंश्योरेंस के नाम पे आपकी ये पॉलिसी है वो पॉलिसी, मतलब जितना पैसे, उनका मकसद है पैसे ऐंठने से, आपको कोई नौकरी नहीं देगा, मकसद सिर्फ इतना है कि जितने ज्यादा उसके उतने पैसे ऐंठे जाए किसी ना किसी नाम। और लोग देते हैं पैसे। तो हमने ऐसे पीछे हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, पुंडरी का एक लड़का था गरीब परिवार से, उसने 2500 रुपये दिए थे और उसको फिर बाद में पता चला कि ये जो है फर्जी है, तो उसमें हमने दिल्ली से अरेस्ट किया। तो हमने उनसे पूछा कि भाई ये डाटा कहाँ से लाते हो आप, कि लोगों का कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन का डाटा कहाँ से लेके आते। तो उन्होंने बताया कि सर जितने भी ये हैं अपनी naukri.com की साइट है, हम उनसे डाटा लोट में खरीदते हैं 8000 रुपये, 10000 रुपये दे के कि हम रिक्रूटर हैं, हमें नौकरी देनी है, आप डाटा दें। लेकिन हम उस चीज को वेरीफाई किए बिना और जो है उनके जाल में फंस जाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस है, अगर आप naukri.com पे अप्लाई कर रहे हो तो प्रॉपर जो नौकरी का ऑफिशियल चैनल है उसके थ्रू ही आपके पास बुलाएगी, ना कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद सर, अब जैसे कोरोना चला हुआ है तो COVID-19 की वैक्सीन हम सभी को लग चुकी है, आपको भी लग चुकी होंगी। तो एक इसके नाम पे भी बड़ा फ्रॉड हुआ है कि जो है भाई अब बूस्टर डोज आ गई है, तो उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम आपके पास फोन कर रहे हैं, आपके पास एक OTP आएगा, आप हमें बता दीजिए, आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस नाम पे भी बड़ा जो है फ्रॉड हो रहा है कि हाँ आपके पास फोन आएगा, आप OTP शेयर कर दोगे, और OTP वो क्या होता है, हमारे उस मोबाइल नंबर से लिंक जो खाता होता है उसमें से पैसे कटने का ही OTP होता है। हम OTP शेयर करते हैं और हमारे जो है अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो ऐसा भी कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसी अभी स्कीम नहीं चल रही है कि हम आपके पास फोन करेंगे या गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय आपके पास फोन करके ये कहेगा कि जी हम COVID-19 की बूस्टर डोज लगवा रहे हैं या रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिसके लिए आपके पास OTP आया है और आप वो हमसे शेयर करो। तो ये सारा जो है फ्रॉड है, इससे बचे सर। और सर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है एक साइट जो है साइबर पुलिस जो है के नाम से है, अब cybercrime.gov.in के नाम से अगर सर्च करोगे एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम जो है साइबर क्राइम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, 155-260, अगर आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, 155-260 एक टोल फ्री नंबर है, अगर आपके साथ कभी भी कोई फ्रॉड होता है तो आप इस नंबर पे फोन कीजिए साथ के साथ और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। अगर आप टाइमली इस नंबर पर फोन करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड करके जो भी आपका पैसा आपसे ठगा गया है वो रुक सकता है, वो
फ्रीज होके आपके पास वापिस आ सकता है, लेकिन वो तभी संभव है जब आप टाइमली एक्ट करोगे। अगर आप सोच समझ के 2 दिन बाद 4 दिन बाद हमारे पास आओगे कि सर हमारे साथ जो है साइबर फ्रॉड हो गया है, हमारे पैसे किसी ने ठग लिए हैं, तो उस केस में हम आपको इन्वेस्टिगेट करके ये बता सकते हैं कि भाई आपके पैसे तो जो है वहां निकले हैं, इस खाते से निकले हैं, लेकिन थोड़े टाइम में हम आपके पैसे वापस नहीं करवा सकते। वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन आपके साथ फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड हुआ, और आप विद इन 1 आवर 2 आवर हमारे पास आ गए, तो उस समय में ये होता है कि आपके पैसे बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमने काफी लोगों के पैसे ऐसे फ्रीज कराए भी हैं जो हमारे पास टाइमली आए, फ्रीज करा के हमने रिफंड जो है वो पैसे कराए हैं। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि आपके जितने भी रिश्तेदारी में हैं या स्टूडेंट्स हैं, आप उनको ये नंबर जरूर बताएं कि 155-260 एक साइबर हेल्पलाइन का नंबर है। कभी भी आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप इस नंबर पे जो है तुरंत कॉल करें और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें, ताकि आपके साथ जो भी ठगी हुई है या आपका जो पैसा गया है उसको रोक के आपको वापिस दिया जा सके। दूसरा सर, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी आपके साथ कोई भी अगर आप खाते से इवन पैसे कट गए हैं और वो सामने वाले के खाते में नहीं गए, तो जिस एप्लीकेशन से पैसे कटे हैं उसमें एक ऑप्शन होता है इश्यू रेज करने का। आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, आप वहां से इश्यू रेज करके कि हाँ भाई मेरे खाते से पैसे तो कट गए लेकिन वो सामने वाले के खाते में नहीं गए, आप कृपया करके इसको चेक करके मेरा पैसा वापस कीजिए। आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, हर एप्लीकेशन में ये एक ऑप्शन उन्होंने इशू रेज करने का दे रखा है, जिससे हम जो है साइबर ठगी के शिकार होने से बच सकते हैं। हम उसमें अपनी सारी चीज, हर ट्रांजेक्शन के साथ ये ऑप्शन आता है, अगर आप यूपीआई कोई भी गूगल पे फोन पे यूज कर रहे हो तो आप देख सकते हो, आप अपनी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन जो आपने पैसे भेजे हुए हैं आप उस पर क्लिक करके देखना, उसमें नीचे एक ऑप्शन आएगा जो है चैट विद अस या इन्फॉर्म अस का, उस पर आप क्लिक करोगे तो उसमें ऑप्शंस आ जाएंगे किस तरीके की आपको परेशानी हो रही है। उसमें वो सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि आपके खाते से पैसा कट गया, सामने वाले में नहीं गया है, या और भी जो आपके साथ हुआ है वो सारे ऑप्शंस उसमें दिए हुए हैं। तो उस चीज का इस्तेमाल करें, ना कि हम किसी कोई बैंक का नंबर सर्च करें उसको बोलते हैं। अगर आपके खाते से भी कोई पैसे कटता है, कोई ऐसा आपके साथ होता है कि आपके खाते से पैसे कट के, तो इन दैट केस आप जो आपका एटीएम कार्ड है आप उसको देखोगे, उसके बैक साइड पे टोल फ्री नंबर दिया होता है, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं, आप अपना एटीएम कार्ड उठाओ उसको पीछे देखो, पीछे वहां नीचे एक जो है टोल फ्री नंबर दिया होगा, आप उस पर कॉल करके आपके जो है परेशानी वो बता सकते हैं। तो साइबर जो है क्राइम है, इसमें ज्यादातर लोग खुद शिकार बन रहे हैं। हम ढूंढते हैं, हम खुद ये ढूंढते हैं कि कैसे हमारे पैसे जाए। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि हमारे 50 रुपए 55 रुपए रिचार्ज के कट गए थे, रिचार्ज हुआ नहीं, और उसके चक्कर में हमने 80,000 90,000 रुपए अपने खाते में से निकलवा लिए। तो इस चीज से थोड़ा मैं कहूंगा आप थोड़ा सतर्क रहें। कभी भी आपके पास फोन आता है कि भाई मैं ऐसे ऐसे बात कर रहा हूँ, मेरे को आपके खाते में पैसे डलवाने हैं, तो एक बार उस चीज को वेरीफाई जरूर करें, क्या ये पर्सन वही है, या फेसबुक पे आपके पास मैसेज आ रहा है कि भाई मेरे को जरूरत है पैसे भेज दे, थोड़ा अर्जेंट में मैं कहीं फंसा हुआ, जिसके नाम पे वो आईडी है उसको फोन करें, उससे पूछें कि भाई तू ही है, कोई और थर्ड पर्सन तो ये फ्रॉड नहीं कर रहा। ये चीजें हम नहीं देखते हैं जिस कारण हम साइबर जो है ठगी का शिकार बने। दूसरा, ओटीपी पिन अपना किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, चाहे कोई आरबीआई का, क्या इवन सीबीआई, किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट का कोई डायरेक्टर भी, कोई भी बड़े से बड़े अधिकारी अगर आपके पास फोन करके ये बोल रहा है कि मैं ऐसे इस बैंक से बात कर रहा हूँ, मैं इस पोस्ट पे हूँ, तो आप उससे भी पिन शेयर नहीं करो। वो कुछ भी बोले आपको नहीं शेयर करना है, कोई अथॉरिटी नहीं है उनकी आपसे पिन पूछने। तो किसी के भी नाम पे कुछ भी बोल के अगर वो आपको प्रेशराइज करना है, आपको इग्नोर करना है, फोन कट कर देना है, ओटीपी पिन आपको शेयर नहीं करना। कभी भी आपके खाते में कोई पैसे भेज रहा है तो इन दैट केस टू आपको कोई भी पिन डालने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत पे आपको बोला था कि पैसे आने के लिए हमारी सैलरी आती है, तो वो सैलरी हमारे से पूछती नहीं कि सैलरी आ रही, मैं आ रही हूँ, आप पिन डालो तो मैं आपके खाते में आ जाऊंगी।
वो ऑटोमेटिक आती है, बैंक वाले या ट्रेजरी जैसे प्रोसेस में डालते हैं वो ऑटोमेटिक हमारे खाते में आ जाती है, उसके लिए हमें कोई भी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। तो सेम चीज जब कोई हमारे खाते में पैसे भेज रहा तो सेम प्रोसेस वहां भी फॉलो होता है। दूसरा, एक मर्चेंट अकाउंट के नाम पे लोगों को बड़ा जो है ये ठग रहे हैं ये बोल के कि हमारा तो मर्चेंट अकाउंट है, हमारे खाते में जो है अलग तरीके से पैसे आते हैं। ऐसा कोई मर्चेंट अकाउंट नहीं होता है जिसमें हम पहले पैसे भेजेंगे और वो डबल होते हैं हमारे खाते में आ गए। ऐसा कोई भी मर्चेंट अकाउंट नहीं है, इस चीज से आप सावधान रहें कि ऐसा कोई मर्चेंट अकाउंट नहीं होता है कि हम पहले पैसे भेजेंगे और हमारे पास डबल होके आएंगे, ठीक है, इस चीज से सावधान रहें सर। इसके बहुत बहुत बाद धन्यवाद आप शुभ्रांशु जी। मैं थोड़ा सा बीच में करूंगा, आपने बहुत जी जी बढ़िया जानकारी साथियों को दी है, और जी मैं क्या सारे साथी बहुत तन्मयता से इसको सुन रहे थे, और क्योंकि हम सबसे रिलेटेड है ये। अब कुछ साथियों के क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन ले लेते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल सर। अरुण कुमार जी आप माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। सर बहुत अच्छी जानकारी लगी आपकी, बड़ा मजा आया, बड़े उससे अटेंशन से हम लोग सुन रहे थे। तो मेरा एक प्रश्न है सर, जो आप बुक में से देख के बता रहे थे, जी सर अगर, क्योंकि हमें भी आगे क्लस्टर्स में यही सेशंस रिपीट करने हैं, ट्रेनिंग्स देनी है बाकी टीचर्स को, जी सर अगर अगर ये वाली बुक पॉसिबल है जी सर तो पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दीजिए, नंबर वन। नंबर टू, बिल्कुल सर नंबर टू, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि कॉपी एक या दो ही है तो हमें ही बता दीजिए, कि अगर पीडीएफ में भी नहीं मिल सकती तो हमें बता दीजिए कि इस साइबर क्राइम की साइट पर, वैसे अगर अकेले जी अकेले ऑप्शन को जैसे बुली बाई ऐप है, इन चीजों को अगर हम जी कोलेक्ट करें मिल तो जाएंगी, लेकिन सर, शायद जैसे आप ये बता रहे हो बुली बाई ऐप है, ये थर्ड पार्टी है। अगर आप साइबर क्राइम की जानकारी लेना चाहते हो तो साइबर जो है क्राइम की, जो हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट है, ओके आप सर। उसको नोट कर सकते हो, जी सर, साइबर क्राइम .gov.in। एक्चुअली सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्लीज मेरा प्रश्न ले लीजिए आप। जी सर मेरा प्रश्न ये है कि साइबर क्राइम के रिगार्डिंग सारा जी सर मटेरियल ऑब्वियस है कि हमें मिल जाएगा जी नेट सर पर, लेकिन क्योंकि आपके पास ये स्पेसिफिक एक बुकलेट आई हुई है, जो जी मटेरियल हमें चाहिए वो हमें सर्च करना पड़ेगा और यहाँ वो बना बनाया है। सर और मैं अरुण जी का सर आपके जो अरुण जी का ये कहना है कि हमें ये पीडीएफ में उपलब्ध, मुझे उपलब्ध करवा दिए सर, मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा इसको। हाँ सर आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, जी सर, ठीक जी है सर, सर, मेरे नाइन पास आपका सिक्स नंबर आया हुआ है सर। जी सर नहीं बोलने दीजिए आप सर, बोल दो। हाँ बोलो बोलो, सर सबके बोलने साथ दीजिए, शेयर सर आप करो। नोट कीजिए 9671 9671 8181 94। 94 जी सर मैं यहाँ कैथल में साइबर क्राइम में पोस्टेड हूँ, और हमारी कोशिश यही रहती है कि साइबर क्राइम का लोग जो है कम से कम शिकार हो, और इसका जो है समाधान हो, इसके लोगों को हम जागरूक कर सकें। तो जो आप ये पीडीएफ की कह रहे हैं, मैं इसकी पीडीएफ कॉपी बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सर। आप मेरे पास व्हाट्सएप पे एक बार रिक्वेस्ट डाल, हाई का मैसेज डाल देना सर, मैं आपके साथ ये जो है जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है कि किस किस तरीके से जो है साइबर क्राइम हो रहा है और उसका सुझाव क्या है, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। सर सर वी विल रिमेन आवर ग्रेटफुल टू यू। जी सर थैंक यू। जी सर हरीश जी अपना क्वेश्चन कीजिए। हरीश जी हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। जो आपने जानकारी दी डेफिनेटली एक बड़ी अच्छी जानकारी थी, और लगभग हम सभी इन चीजों से परिचित भी हैं, फिर भी जी कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी वजह से फंस जाता है और इसमें अपना लॉस करवा बैठते हैं। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब पैसा ट्रांसफर हो रहा है, जी हमारी गलती से हमने किसी को पैसा दिया, बट जी किसी ना किसी खाते में वो पैसा गया, बिल्कुल सर फिर भी रिकवरी नहीं हो पाती, वो खाता भी कहीं ना कहीं किसी सर पर्सन से जुड़ा होगा, सर सारी इस चीज का मैं आपको जवाब देता हूँ। क्या है सर, जब नेट बैंकिंग से या ऑनलाइन किसी भी यूपीआई माध्यम से हमारा पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें सेकंड लगती है सर वो पैसा ट्रांसफर होने, लेकिन क्योंकि हमें बैंकिंग सिस्टम का एक्सेस नहीं है तो वो रिक्वेस्ट हमें बैंक को या एनपीसीआई को डालनी पड़ती है कि ये ट्रांजेक्शन जो है फ्रॉड की हुई है, आप हमें इसकी डिटेल प्रोवाइड कराइए। तो उसमें क्या है, टाइम लग जाता है, कई बार वो एक दिन में अवेलेबल हो जाता है, कई बार एक हफ्ता भी लग जाता है।
तो इन मेनवाइल साइबर क्राइम में क्या है, जो ये साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, ये एक सिंगल खाते का इस्तेमाल नहीं करता सर। इसमें हम हमारे जो देखने में आया है, इसमें क्या होता है कि आपके साथ मान लो फ्रॉड हो गया है, आपके पैसे चले गए हैं 20,000 रुपए, तो आप उस नंबर पे दोबारा फोन करेंगे, भाई मैं गरीब आदमी हूँ या मेरे पैसे वापिस दे दे, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, वो ये बोलेगा ठीक है भाई साहब मैं आपके पैसे वापस दे दूंगा, लेकिन जिस एप्लीकेशन के थ्रू ये पैसे वापस आपके पास आने हैं उसमें आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यकता है। और उसमें हम क्या करते हैं, ये सोच के कि आधार कार्ड और पैन कार्ड देने से हमारे पैसे वापस आ जाएंगे, तो वो हम बिना किसी हिजक के उनको दे देते हैं। और अब एक लॉकडाउन में एक नई चीज जो उभर के आई है कि आप विदाउट विजिटिंग बैंक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं जो 12 महीने तक एक्टिव रहेगा। उसके बाद अगर आप फिजिकली वेरीफाई नहीं करोगे ब्रांच में जाके तो वो बंद हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, जिसके साथ भी ठगी कर रहे हैं, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे उनके आधार कार्ड पैन कार्ड लेके उनके नाम पे अकाउंट खोलते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और नंबर ऑफ अकाउंट्स, पैसा ट्रांसफर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से तीसरे, कई बार 10-10 अकाउंट में ट्रांसफर करके फिर वो पैसा निकाल रहे हैं। वो ट्रांसफर उनके लिए तो 10 मिनट लगते हैं, ट्रांसफर 10 अकाउंट में 10 मिनट में ट्रांसफर करके किसी एटीएम से निकाल लिए, लेकिन जब उसका हम डाटा लेने लगते हैं, ये 10 अकाउंट का डाटा लेने में हमें कई बार 3 महीने भी लग जाते हैं, बैंक हमें रिस्पॉन्स नहीं करता, वो बोलते हैं सर ये दूसरे ब्रांच का खाता, वहां से हमें रिकॉर्ड मंगाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लग जाता है। दूसरा फिर ये है सर, पीछे हमें एक हफ्ता लगा के आए पटना, क्योंकि साइबर क्राइम में हमारा लोकल नहीं होता कि जो क्रिमिनल है वो हमारे आस पड़ोस का, कभी भी जाके हम उसको उठा लाएंगे, ये दूर बैठे हुए हैं, हब बने हुए हैं सर साइबर क्राइम के, अलग अलग तरीके का, जहां भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ रखी है, लॉटरी के नाम पे है या कोई लोन देने के नाम पे है, तो वो बिहार वाले, वेस्ट बंगाल वाले, जामताड़ा झारखंड वाले ये कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आपके पास कॉल फ्रॉड है, फोन करके आपके साथ फ्रॉड हुआ है, इन दैट केस अपने मेवात के हैं या भरतपुर वाले लोग हैं, या आपके साथ ओएलएक्स का फ्रॉड हुआ है उसमें भरतपुर वाले लोग हैं, तो ऐसे ही ये सर एरिया डिवाइड हो रखे हैं कौन किस में माहिर है। और अकाउंट इसमें पीछे मैंने एक अकाउंट देखा एक कंप्लेंट में, खाता तो वो आसाम का है, जो पर्सन है जिसके नाम वो खाता है वो आसाम का रहने वाला है, लेकिन उसमें से एटीएम विड्रॉल हो रहे हैं यहाँ फतेहाबाद में, जिसके नाम वो खाता है वो खाता असम का है और उसको आप फतेहाबाद में कैसे ढूंढोगे। दिक्कत ये बड़ी आ रही है साइबर क्राइम को जो ट्रेस करने में, कि हम इजीली जो है हमें फेक अकाउंट्स प्रोवाइड हो रहे हैं सर। जी संदीप पाठक जी अपना क्वेश्चन रखिए। संदीप जी नमस्कार सर, मैं संदीप पाठक बोल रहा हूँ सर। एक्चुअली अभी हफ्ता पहले कैसा फ्रॉड हुआ है मेरे फ्रेंड सर्कल में। जी। और ये हुआ वैसे फेथ में ही है, जैसे कोई दो फ्रेंड हैं कॉमन, किसी एक फ्रेंड का फोन आया है कि आप के खाते में वो पैसे डलवा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया भेज रहा हूँ आप, लेकिन वो खाते में मैसेज तो आ रहा था लेकिन खाते में वो पैसे नहीं आ रहे थे। जी। तो उसने इस तरह से उस पर क्लिक किया और पैसे किए, तो लगभग 1 लाख के करीब जो है ना उसके अकाउंट से डिडक्ट हो चुका था। जी। और ज्यादा वो पढ़ा लिखा है नहीं है। जी सर। 10वीं तक किया हमने ये कंप्लेंट जो है साइबर, यहाँ जो 21 सेक्टर में है शायद हमारा कैथल का। जी, बिल्कुल। वहां तो उन्होंने दर्ज नहीं की, तो हमने ये कंप्लेंट जो है सर यहाँ दर्ज करवाई थी अपने सिटी में कैथल। नहीं सर ऐसा हो नहीं सकता, मैं खुद सेक्टर 21 में बैठता हूँ साइबर क्राइम में, तो ऐसा नहीं हो सकता आप वहां गए और उन्होंने ली हो किसी ने कंप्लेंट। उन्होंने कहा है कि आप कैथल, मेरे पास एफआईआर की कॉपी भी है यहाँ की, यहाँ सिटी की सर। नहीं सर आप आइए, कल आइए मैं आपको वहीं मिलूंगा, आप आइए। और किस बंदे ने आपको ये बोला कि हम कंप्लेंट नहीं लेंगे? ये मेरा फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड एक संजू शर्मा जी हैं, वो आए होंगे आपके पास 1 वीक पहले, 10-7-8 दिन पहले। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता हमारे पास, इवन आप तो ये कह रहे हो कंप्लेंट लेने की बात है, इवन हमारे पास जो कंप्लेनेंट साथ के साथ आता है उसको हम ये बोलते हैं कि कंप्लेंट तो तू भाई बाद में दे दियो, लेकिन पहले हमें वो डिटेल शेयर कर जिससे आपके पैसे कटे, ताकि हम मैसेज करके जो भी बैंक है। तो इसके लिए हमें क्या कंसर्न चीजें चाहिए सर? एक तो जिस अकाउंट से डिडक्शन हुई है वो। सर दो चीजें हैं,
जब भी आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, एक तो आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लेके आओ उसकी, या अगर आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो तो उसके थ्रू, क्योंकि ज्यादातर पेमेंट हमारी यूपीआई के थ्रू कटती है, तो हमें उसमें ये नहीं पता चलता कि पैसा गया किसके खाते में। तो वो स्टेटमेंट देख के हमें आइडिया हो जाता है कि सामने वाला बेनिफिशियरी जो बैंक है वो कौन सा है। तो उसमें क्या है कि हम पहले आपके बैंक को लिखें कि भाई ये आपके बैंक से खाते से पैसे कटे हैं, किसके में गए हैं, उसकी बजाय हम डायरेक्ट जिस बैंक में गए हैं उसको लिखते हैं कि भाई इस ट्रांजैक्शन के थ्रू आपके पास ये पैसे आए, ये किस खाते में आए हैं, जिस भी खाते में आए इसको फ्रीज करो और इसको रिफंड करो, ये फ्रॉड के पैसे। ठीक है, तो उसमें ये हमारी हेल्प होती है। दूसरा एक हमें डेबिट कार्ड नंबर चाहिए होता है आपका, क्योंकि जैसे एनपीसीआई है या यूपीआई है वो अकाउंट नंबर की बजाय वो डेबिट कार्ड नंबर से ट्रांजेक्शन सर्च करते हैं। तो ये दो चीजें हमारी रिक्वायरमेंट रहती है कि एक आप अकाउंट स्टेटमेंट और एक डेबिट कार्ड नंबर हमसे शेयर करें, ताकि हम उसका जो आगे फर्दर डिटेल्स निकाल सकें कि ये कहां गया। ठीक है सर। सुनील कुमार जी अपना क्वेश्चन रखिए। सुनील कुमार जी अरसोला। हेलो जी सर। जी शुभ्रांशु सर, एक क्वेश्चन है मेरा कि जो हमारी जो सरकारी साइटें हैं जैसे एसबीआई से, क्या इंटरनेट बैंकिंग से भी डाटा चोरी हो सकता है सर? नहीं सर, इंटरनेट बैंकिंग से वो सिक्योर्ड है, उनके अपने सर्वर हैं, वो चोरी नहीं होता है। जब तक हम अपनी गलती में किसी फर्जी डुप्लीकेट साइट पे अपना डाटा नहीं डालते हैं सर। ओके सर, थैंक यू। अगर आपके ओटीपी शेयर किए बिना आपके खाते से पैसे कट रहे हैं तो उस केस में बैंक लायबल रहता है। अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं ओटीपी तो उसमें बैंक लायबल रहता है, वो आपको रिफंड करेगा। लेकिन आपने ओटीपी शेयर किया है तो उसमें बैंक की लायबिलिटी नहीं बनती, वो गलती हमारी है क्योंकि हमने जो है ओटीपी शेयर किया है। ये दो चीजें आप ध्यान में रखो सर। ओके सर। दिनेश जी अपना क्वेश्चन रखिए। दिनेश जी सर मेरा नमस्कार। जी सर। ये प्रश्न है सर मेरा, जो हम ऐप मोबाइल पे थर्ड पार्टी ऐप जो हम मतलब इंस्टॉल करते हैं प्लेटफॉर्म से, वो क्या हमें ये कैसा पता लग जाता है कि ये ऐप सिक्योर है या नहीं है? सर जो थर्ड पार्टी का दो तरीके के हैं, जितने भी एप्लीकेशंस जो है गूगल प्ले पे हैं या प्ले स्टोर पे, वो सारी वेरीफाइड एप्लीकेशंस हैं, वो प्रॉपर एक चैनलिंग के थ्रू उस पे आए हैं। लेकिन हम किसी भी वेबसाइट पे नेट से सर्च करके कुछ डायरेक्ट एपीके फाइल होती है एंड्रॉइड के लिए .apk फाइल, अगर वो डाउनलोड करके हम इंस्टॉल कर रहे हैं या किसी ने हमारे पास एप्लीकेशन का लिंक भेजा है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, वो सारी जो है एप्लीकेशंस वो फर्जी हैं, फेक है, वो किसी ना किसी बेनिफिशियरी माध्यम से बनाई गई है कि इनके थ्रू हम कुछ ना कुछ डाटा एक्सेस कर सके। जो भी आप गूगल प्ले के थ्रू या प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड करेंगे वो सारी जेन्युइन है, लेकिन उनमें कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो बनाई तो इसलिए गई है कि मैं यहाँ बैठा बैठा आपकी कोई मदद कर सकूं, आपके सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई मैं यहाँ बैठा बैठा आपके सिस्टम की हैंडलिंग लेके उसमें जो सेटिंग्स करनी है वो कर सकूं। लेकिन उस चीज की जानकारी ना होने के कारण उन चीजों का इस्तेमाल अब साइबर फ्रॉड में हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया एनी डेस्क है, टीम व्यूअर है, QS है, ऐसे करके कुछ स्क्रीन शेयरिंग एप्स हैं जो गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है सर। नरेश गगड़पुर जी लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। जी सर। जी बताइए। नरेश जी माइक ऑन कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन कीजिए। हेलो जी सर। हेलो सर, आ रही है आवाज? आ रही है सर, आ रही है, बताइए। सर मैं क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। मेरे अकाउंट में लगभग 86,000 रुपए थे और ऐसे ही कॉल आया सर कि भाई KYC अपडेट करना। मेरे को पता था इस बात का कि हाँ ये फ्रॉड है और कोई ओटीपी नहीं मैंने शेयर किया, उसके बावजूद भी सर वो 86,000 रुपए बिल्कुल अकाउंट से साफ थे। नहीं सर, आपने कोई ना कोई एप्लीकेशन शेयर की होगी, इंस्टॉल। सर सुन मेरी बात, सर मेरी बात सुनिए पूरी, लेट मी कंप्लीट सर। और उस बंदे ने एक दिन के लिए बैंक में मेरी FD बना दी। हाँ बिल्कुल सर, ये चीज भी हो रही है। हाँ यही बता रहा हूँ, तो मतलब उस तो ये कहीं ना कहीं तो फिर सर बैंक का फॉल्ट है ये कि आपके अकाउंट में अंदर घुस के कोई आपके अकाउंट में FD बना रहा है। नहीं सर, ये क्या दिक्कत हो रही है इसमें, हमने बैंक के आपको पता हुआ कस्टमर केयर से, ठीक है सर जी जी, उसमें क्या है वो चीज कई बार कुछ उनमें भी मैलिफाइड जो है लोग नौकरी पर लग जाते हैं, तो ये कमीशन बेसिस पे क्या करते हैं वो आपकी रिक्वेस्ट पे टेम्परेरी FD बना देते हैं जो 24 घंटे के लिए होती है।
ठीक है सर। और उसमें फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ था सर, मतलब कोई जी 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 कोई ओटीपी भी शेयर नहीं, और फिर भी मतलब अकाउंट से पूरे पैसे साफ हो गए थे। नहीं सर, वो आपके साफ नहीं हुआ। अगर आप आपकी अकाउंट स्टेटमेंट चेक करो इन दैट केस, तो आपको प्रॉपर उसमें लिखा है कि एफडी बना दी है आपके इतने पैसे। हाँ बिल्कुल बना दी थी सर, बना दी थी। लेकिन उसमें आपके पैसे के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। वो भी इतना है कि आपको डराने के लिए कि भाई हमने तो सारे पैसे निकाल लिए, अब या तो इतने पैसे दे दे फिर हम ये तेरे वापिस कर देंगे। वो भी सिर्फ एक ये है कि आपको डराने के लिए कि आपके वो पैसे नहीं निकले, आपके सिक्योर एफडी बनी है वो, ठीक है। लेकिन आपको ये लगेगा मेरा तो 86,000 रुपए चले गए, 10,000 रुपए ले गए, वो तो सर शाम ही जाएगा और बता भी देगा डर के मारे कि हाँ भाई निकल के कुछ तो आएगा वो। हाँ हाँ, तो वही है, वो बोलेंगे भाई 5,000 रुपए दे दे, 10,000 रुपए दे दे, हम तेरे वापिस कर देंगे, ठीक है। ये तरीका है सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रांशु जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने सभी टीचर्स को, एबीआरसीज को दी, और आगे जाके ये भी हर टीचर को ये जानकारी जरूर देंगे। लास्ट का सेशन मनोज जी एपीसी सर लेंगे और कल की ट्रेनिंग के लिए पता है। सुब्रांशु जी हमारे साथ कल भी मौजूद रहेंगे, ऑनलाइन जो टीचिंग सेशन है उनके लिए भी एक घंटा इनका हम सेवाएं लेंगे। और धन्यवाद सुब्रांशु जी के लिए, एक बार सॉफ्ट क्लैपिंग कर दीजिए कि इतनी अच्छी जानकारी इन्होंने हमें दी। सॉफ्ट क्लैपिंग, बहुत अच्छी जानकारी इनके लिए, तो हार्ड क्लैपिंग भी कर दो। तो थैंक यू सर। और अभी जो लास्ट सेशन 15 मिनट का बचा है, हमारे साथ एपीसी कुशल जी मौजूद हैं। कुशल जी, जो आपको क्लस्टर लेवल पर ट्रेनिंग देनी है साथियों, उसके विषय में जानकारी जो है वो अभी देंगे कि किस प्रकार लेनी है। ओवर टू कुशल जी। सभी साथियों को नमस्कार। ये क्लस्टर लेवल की आपका हेलो। हाँ सर, ये जो क्लस्टर लेवल की ट्रेनिंग देनी है हमने, इसके बारे में दो चार बातें हैं जो मैं बता दूं, क्योंकि